उन्नाव में काउंटिंग गेट पर लेखपाल से अभद्रता के मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात एसपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि काउंटिंग गेट पर 9 मार्च को सपाइयों ने लेखपाल कुलदीप को रोककर उनके साथ में अभद्रता की थी। लेखपाल के पास से मुहर व चुनाव सामग्री मिलने का आरोप लगाकर सपाइयों ने हंगामा किया था। हंगामे के दौरान एसपी एमएलसी सुनील सिंह, जिलाध्यक्ष उन्नाव धर्मेंद्र यादव समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद लेखपाल की तहरीर पर सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। योगी सरकार की वापसी के बाद यूपी में अपराधियों के अंदर एक खौफ है। ये खौफ अब अपराधियों के बीच नजर भी आ रहा है। पुलिस के एक्शन से बचने के लिए कहां कहां हाथों में तख्तियां लेकर अपराधियों ने सरेंडर किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या सहारनपुर, क्या शाहजहांपुर और क्या गोंडा, शहर 3 हैं, लेकिन हालात एक ही हैं। योगी सरकार की वापसी क्या हुई है, अपराधियों के हाथों में तख्तियां आ गईं और चेहरे पर आ गया खौफ। सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां हाथों में रहम की तख्तियां लेकर कई हिस्ट्री शीटर अपने गुनाहों की माफी के लिए पुलिस के दर पर पहुंच गए। ये खौफ है योगी के बुलडोजर का, जिसने बदमाशों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। हालात कमोबेश शाहजहांपुर में भी ऐसे ही हैं, जहां कुख्यात अपराधी सुनीत उर्फ टुइया की अक्ल योगी सरकार की वापसी के बाद ठिकाने आई, अपने गुनाहों की माफी के लिए एसपी ऑफिस में हाजिरी लगाई। हाथों में तख्ती थी और चेहरे पर इस बात का डर कि समय रहते सरेंडर नहीं किया तो बख्शे नहीं जाएंगे। गोंडा में भी योगी सरकार की वापसी का असर भरपूर नजर आ रहा है, जहां एक जाने माने अपराधी को एनकाउंटर के डर ने इस कदर सताया कि हाथों में अपने गुनाहों के हिसाब वाली तख्तियों के साथ पुलिस थाने पहुंच गए और अपने कर्मों के हिसाब की मांग करने लगे। 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। ये जो बदमाश है, 2 दिन पूर्व हुई पुलिस मुठभेड़ में जो 2 बदमाशों को पकड़ा गया था पुलिस एनकाउंटर में, राजकुमार यादव और जुबैर अली 25,000 के इनामी बदमाश थे, इन्हीं का ये साथी है जो कि पुलिस के इस केस में वांटेड था, इसने आज आत्मसमर्पण किया है। बीते 5 साल में योगी सरकार ने अपराधियों पर जो शिकंजा कसा है, उसका असर है कि सरकार की वापसी के बाद अब अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। हाथों में तख्तियों के साथ अपराधी अपने गुनाहों के हिसाब के लिए खुद ही पुलिस थानों की तरफ चल पड़े हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो शातिर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। और चलिए बढ़ते आगे। मुजफ्फरनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें चेयरमैन भी कर्मचारी और वार्ड सभासदों के साथ में झूमती नजर आई। रंगों की मस्ती में डूबे ये लोग, फूलों और गुलाल की होली से सराबोर लोग जमकर थिरकते नजर आए। को होली मिलन में डांस करते देख नगर पालिका चेयरमैन भी खुद को रोक नहीं पाए। आयोजन खास था, इसलिए वार्ड सभासदों और कर्मचारी भी जमकर थिरके। मुजफ्फरनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां चेयरमैन मंजू अग्रवाल भी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ खूब डांस करती नजर आई। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने अब नेताओं ने सियासत भी शुरू कर दी है। सीतापुर पहुंचे अखिलेश यादव से जब फिल्म पर सवाल किया गया तो उन्होंने लखीमपुर फाइल्स के नाम से भी फिल्म बनाने की मांग उठा दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक फिल्म सियासत में फसाद की वजह कैसे बन जाती है, ये आपके सामने है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म
द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में सियासी दल दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। एक खेमा बीजेपी का है जो फिल्म के समर्थन में उतरता नजर आ रहा है और फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने का दावा कर रहा है। कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए। अब जब बीजेपी ने फिल्म का समर्थन किया तो विपक्ष भी अपने काम पर लग गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे, सवाल कश्मीर फाइल्स पर पूछा गया तो जवाब में लखीमपुर की याद दिलाकर लखीमपुर फाइल्स नाम से फिल्म बनाने की मांग कर दी। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स में भी फिल्म बनी। तो अखिलेश फिल्म के बहाने लखीमपुर के नाम पर सियासी निशाने साध रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी भी अखिलेश के इन बयानों पर हमलावर होती नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव जी कश्मीर फाइल्स को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उससे समझ में आ जाता है कि उन्होंने अभी भी इस पराजय के कोई अंजाम सबक सीखे नहीं है। अखिलेश लखीमपुर के नाम पर सियासी दाल गलाने के जुगाड़ में लगे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी फिल्म के बहाने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच इतना तो साफ है कि फिल्म पर फसाद भरपूर है। टीम न्यूज़ स्टेट कश्मीर चल रहा है।